नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिनिया ऑटो व्लॉग्स अगर बात करें हैचपैक कैटेगरी की तो मारुति की वैगन टॉप सेलिंग कार है इन बैग कैटेगरी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये काफ़ी ज़्यादा सेल होती हुई आ रही है और कस्टमर इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये एक बेस्ट प्राइजिंग के अंदर अवेलेबल होती है और इसके अंदर जो स्पेस मिल जाता है अगर हम कंपेयर करें हैच बैग कैटेगरी के अंदर तो इसके अंदर ज़्यादा स्पेस मिलता है और माइलेज भी मिल जाती है बट वहीं अगर हम बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की और क्रैश टेस्ट की तो ग्लोबल के अंदर इसको सिंगल एयरबैग के साथ टू स्टार रेटिंग मिली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है और यही सेम चीज़ एक्सीडेंट के दौरान भी प्रूफ हो जाती है एक ऐसा एक्सीडेंट सामने आया है जहाँ पर मारुति वैगनार की जो बेल्ट क्वालिटी है कैसी है वो यहाँ पर देखी जा सकती है असम के किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक्सीडेंट होता है जहाँ पर सर्कुलर ऑफिसर की कार जो कि थी महिंद्रा बुलैरो पीछे से टक्कर मारती है मारुति वैगनार को हालांकि जो पूरी डिटेल्स है वो सामने नहीं आई है कि कैसे ही एक्जैक्टली एक्सीडेंट हुआ है बट इमेजेस को देखकर कर ये साफ़ पता चलता है कि महिंद्रा बलैरो ने मारुति वैगनार को पीछे से ज़ोरदार टक्कर मारी है हालांकि जो स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा रही होगी ड्यूरिंग एक्सीडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैगनार है वो हाफ पूरी की पूरी डैमेज हो चुकी है अगर आप इसका बी पिलर देखेंगे तो वो भी बेंड हो चुका है और बी पिलर तक कार पूरी ख़त्म हो चुकी है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रियर व्हील है उसकी वजह से थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है वो और आगे तक नहीं आया बट जो व्हील्स है वहाँ तक पूरी कार ख़त्म हो चुकी है इवन जो इसकी रूफ़ है वो पूरी बेंड हो गई है वहीं अगर आप बलैरों को देखते हैं तो इसके पिलर्स तक इम्पैक्ट नहीं गया है राइट साइड आप देख सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, बट वैगनार के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है इस कॉलिशन के बाद हालांकि जो है, वो बोलेरो अलग सेगमेंट की कार है बट मारुति वैगनार के अंदर इंपैक्ट इतना गंदा होता है कि पूरी कार क्रश हो जाती है सो so गई आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस एक्सीडेंट को देखने के बाद हालांकि जो मारुति है उसको माइलेज को छोड़कर सेफ़्टी की तरफ थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब से माइलेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है जो बॉडी पैनल्स हैं इसके इतने ज़्यादा वीक हैं अगर कोई इंसान हल्का सा टेक लगा कर भी खड़ा होता है तो इसके बॉडी पैनल्स अंदर दब जाते हैं सो मारुति को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए सो so गाइज़ अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट की इमेज़ या फुटेज़ हैं तो आप मेरे इस ई मेल पर भी शेयर कर सकते हैं बाकी इस एक्सीडेंट के बारे में आप भी कॉमेंट करके बताएँ बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाएं, एक शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ टेल देन, टेक केयर बी सेफ एंड बाय